ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रासमाधिस्थिति सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ आज नए विषय को लेकर के हमारे सनातन धर्म का। नव संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। 6 अप्रैल को हमारा सनातन धर्म का नव संवत्सर प्रारंभ होगा। अभी तक हमारा विरोध कृत नामक संवत्सर चल रहा था, जो कि विक्रमी संवत 2075 के साथ ही है। अब हमारा नववर्ष प्रारंभ होगा विक्रमी संवत 2076 प्रारंभ होगा और परिधावी नामक नव संवत्सर इस वर्ष में रहने वाला है। 6 अप्रैल को यह संवत्सर प्रारंभ होते ही हमारे भारतवर्ष में चैत्र माह के नवरात्रे प्रारंभ होते हैं और बड़े हर्षोल्लास से लोग माँ भगवती के नवरात्रों का पूजन करते हैं और अपने संवत्सर को मानते हैं। तो यही खगोलीय फलश्रुति में आपके सामने लेकर के आया हूं कि इस नव संवत्सर में क्या कुछ खास देखने को हमें मिल सकता है। हालांकि पूर्वानुमान लगाना ठीक नहीं होता है किसी भी चीज का, लेकिन ज्योतिष कहती है कि ज्योति ही ईशः इति ज्योतिषः, जो भी नेत्रों से दिखाए बन पड़े उसको सबके साथ उजागर अवश्य करें। अर्थात यह नव वर्ष कैसा रहने वाला है, क्या खास लेकर के आने वाला है, इस बात पर मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले नव वर्ष का लग्न देखते हैं कि नव वर्ष कब से प्रारंभ होगा और उस समय क्या स्थिति रहेगी ग्रहों की। कर्क लग्न की कुंडली में यह वर्ष प्रारंभ होगा और गुरु शनि केतु धनुराशिगत रहेंगे, जो कि कर्क लग्नगत से छठे स्थान में बनती है। वहीं बुध और शुक्र कुंभ राशिगत अष्टम स्थान में है और सूर्य चंद्रमा मीन राशिगत नवम स्थान में है। वहीं मंगल वृषभ राशिगत एकादश स्थान में है और राहु द्वादश स्थानगत मिथुन राशि में विराजमान है। इन सब ग्रहों के बीच ग्रहों की अपनी अपनी गति होगी। ग्रह अपने अपने कक्षाओं में नित्य गोचर करते रहेंगे, लेकिन यह नव वर्ष की कुंडली है। जब नव वर्ष प्रवेश होगा तब यह कुंडली है। इसी के साथ बता दूं कि परिधावी नामक संवत्सर के जो इस समय राजा रहेंगे वह स्वयं न्यायकर्ता श्री शनिदेव रहेंगे और मंत्री का जो पदभार संभालने वाले हैं इस वर्ष का वह भगवान सूर्य नारायण के हाथों में रहने वाला है। यहां पुत्र राजगद्दी पर है और पिता मंत्री का पद संभाल रहे हैं।
वही सस्येश मंगल होंगे और धनेश जो होंगे वह चंद्रमा होंगे। इस प्रकार से सभी ग्रहों के पास अपने अपने पदभार है, जो कि इनमें आधे से ज्यादा क्रूर ग्रहों के पास यह वर्ष रहने वाला है। तो क्या पदभार होता है इन क्रूर ग्रहों का और कैसी व्यवस्था बनती है इस संपूर्ण जगत में, इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजा शनि की। सबसे पहले राजा का अधिकार होता है, राजा कैसा है यह, या राजा का व्यवहार कैसा है, क्या आपके राजा में वह शक्ति है कि वह सबका भरण पोषण इत्यादि से लेकर सब व्यवस्था संभाल कर रख सके। तो शनि का फल क्या होगा, अब शनि महाराज का कैसा अपना स्वयं का स्वभाव है। शनि न्याय के देवता हैं, न्याय करता हैं, और साथ ही शनि को दुख का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि यह ग्रह जो आधिपत्य है वह कुंडली के अष्टम भाव पर होता है, जो कि विशेषतः दुखों को या तो दमन करता है या उत्पन्न करता है। अब राजा होने के नाते इस समय क्या होगा, दुखों का दमन होगा या दुख उत्पन्न होंगे, तो दोनों होंगे। इसके फलाफल होंगे कि कभी आपको देखने को मिल सकता है बड़ा असमंजस्य पूर्ण यह मास रहने वाला है, कहीं आप बहुत अत्यधिक वर्षा देख सकते हैं, तो कहीं पर आपको सूखा देखने को मिल सकता है, कहीं जगह विभिन्न प्रकार के पेचीदा रोग हो सकते हैं, तो कहीं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, कई जगहों में युद्धजन्य परिस्थितियां बनेंगी, चोरी ठगी डकैती लूटमार इत्यादि की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिसके कारण समस्त मानस जन दुखी रह सकता है, किसी प्रदेश विशेष में अथवा देश के लोग दुर्भिक्ष बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों के शिकार हो सकते हैं। कई बार स्थितियां अपने देश हमारे देश में भी स्थितियां हालात ऐसे हो सकते हैं कि कई क्षेत्रों में अत्यधिक अग्निकांड और सूखा और अकाल जैसी परिस्थितियां बने। यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह बड़ा असमंजस समय रहने वाला है भारत के लिए। भारत का राजनीतिक दृष्टियां बड़ी उठपटांग से रहने वाले हैं। इसी 2019 में हमारे देश में चुनाव भी होंगे और इन चुनाव में कुछ उलझे हुए परिणाम देखने को मिल सकते हैं। किसी भी दल को आप देख सकते हैं कि पूर्ण मत के साथ कोई भी दल उभर कर प्रकट नहीं हो सकता है, अर्थात ये बड़ी उठपटांग से यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। शनि महाराज राजा हैं और सूर्य मंत्री हैं, तो कई क्षेत्रों में अदला बदली आपको देखने को मिल सकती है। वहीं यदि खाद्य पदार्थों की बात करें तो कई जगह कम वर्षा होगी और खाद्य अनाजों में उनके मूल्यों में विशेष वृद्धि देखने को मिल सकती है। कई जगह आप देखेंगे अत्यधिक उष्णता के कारण समस्त संसार में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से ठंडे यूरोपीय देश भी विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं इस पूरे वर्ष में। वहीं जगत कुंडली और ग्रह योगों के अनुसार देखें तो जो पश्चिमी देश हैं और जो विशेषतः मुस्लिम बाहुल्य देश है, उनका भी विश्व में राजनीतिक का ध्रुवीकरण बना रहेगा। रूस चीन
चीन यूरोपियन यूनियन द्वारा अमेरिका में अनेक प्रतिबंधों के कारण अमेरिका को नए समीकरण बनाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें चुनाव के बाद की, तो यहाँ पर भाजपा का पलड़ा बहुत सख्त दिखाई पड़ता है। हालांकि यह राजनीति बहुत कांटे की टक्कर की होने वाली है, लेकिन इसमें अंडे को बहुमत पूर्ण होने के और संकेत भी जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आषाढ़ माह में 18 जून से 16 जुलाई तक 5 मंगलवार और मंगलवारी संक्रांति, सूर्य, शनि, मध्यम सप्तक आदि ग्रह योगों से कुछ राज्यों में छत्रभंग, सत्ता परिवर्तन, हिंसक घटनाएं, अग्निकांड, पड़ोसी देशों के साथ युद्धमय स्थिति आदि होंगी। और जो केंद्र में जो भी नई सरकार होगी उसके लिए यह एक अग्नि परीक्षा का समय रहने वाला है, यह पूर्ण वर्ष। तो हम यह मंगल कामना करते हैं कि यह नव वर्ष हम सबके जीवन में नई उमंग लाए, नई ऊर्जा लाए, विश्व में शांति बने रहे। और हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह मंत्र संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखे और हमारे राष्ट्र को अत्यधिक सामर्थ्य दे, समर्थवान बनाए और सार्थक बनाए। हम सबके जीवन का यह पूर्ण वर्ष अत्यधिक मंगलकारी हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। इस जानकारी को शेयर अवश्य करें, और यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।